वेलकम फ्रेंड्स व्यूवर्स, आई होप यू गाइस विल बी डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने एंड्रॉयड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉयड पर बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप से किस तरह फास्ट तरीके से डेटा सेंड करेंगे। अक्सर हमारे पास इस तरह हो जाता है कि हम किसी को अगर कुछ भेजना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप से, और लेट सपोज मेरे पास ज़ेपिया है या शेयर एट है, और दूसरे बंदे के पास जिसको मैं कुछ भेजना चाहता हूँ कोई मूवी कोई वीडियो, तो उसके पास अगर वो ना हो तो हम डेटा सेंड नहीं कर सकते इतने फास्ट स्पीड के साथ। लेट सपोज उस टाइम हमारे पास इंटरनेट भी ना हो कि हम सेम ऐप डाउनलोड करें, तो आप इस मेथड को यूज़ करके फास्ट तरीके से कोई भी वीडियो ऑडियो कोई ग्राफिक्स आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप भेज सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप से। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, जैसा कि हम वन एंड्रॉयड से दूसरे एंड्रॉयड पर डेटा भेजने के लिए आजकल ज़ेपिया या शेयर इट या ज़ेंडर फाइल ट्रांसफ़र के जो ऐप्स है वो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह अक्सर हो जाता है कि हमने अगर किसी फ्रेंड से कोई मूवी ट्रांसफ़र करनी हो या उसको भेजनी हो तो उसके पास या ज़ेपिया होगा या हमारे पास शेयर इट होगा और हम वो डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक क्विक मेथड बताऊँगा जिससे आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो मेथड क्या है? मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने दोनों फ़ोन पर आ जाना है और चले जाना है वाईफाई पर। वाईफाई के आइकन पर जब आप टैप कर लें तो आपने दोनों फ़ोन पर चले जाना है और यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वाईफाई डायरेक्ट, तो यहां पर आप लोगों ने टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहां पर आप लोगों को जो नज़दीक आपके पास डिवाइस होंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि लेफ़्ट साइड पर मुझे J7 मैक्स दिखाई दे रहा है और राइट साइड पर J7 कोर, यानी एक फ़ोन पर दूसरे फ़ोन का मुझे जो उसका फ़ोन है वो वाईफाई डायर के ज़रिए दिखाई दे रहा है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से मैं किसी भी डिवाइस से टैप टू कनेक्ट कर लूँगा और दूसरे फ़ोन पर आ जाएगा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करते ही मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल आपको टॉप पर ये जो आइकन सा आ गया है ये आपको शो हो रहा होगा, इससे ये शो होता है कि मेरा डिवाइस दूसरे डिवाइस से वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज़ मैं राइट साइड पर जो डिवाइस है उससे कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पर, तो सपोज़ करते हैं डेटा आपने किस तरह भेजना है, आ जाते हैं गैलरी पर और सेंड कर लेते हैं यहाँ पर कोई इमेज, तो यहाँ पर मैं भेज देता हूँ लेट सपोज मेरे पास ये इमेज है। तो मैंने क्या करना है, इमेज आपने कॉल ली तो आपने आ जाना है शेयर के इस बॉटम में जो आइकन है शेयर, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने चले जाना है वाईफाई डायरेक्ट के इस ऑप्शन पर, यहाँ पर आप लोगों ने टैप कर लेना है। टैप करते ही आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस हो अवेलेबल जो है तो आपने किसको भेजना है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और टॉप पर जो शेयर का बटन है ये आप लोगों ने टैप कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पर सेंड हो जाएगा। ये मेरा जो फाइल है वो यहाँ पर आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही फास्ट तरीके से इस तरह आप कोई भी वीडियो भेज सकते हैं। लेट सपोज मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर कोई वीडियो सर्च कर लेता हूँ, सपोज़ करते हैं मेरे पास ये वीडियो है और अगर मैं इसकी साइज़ देखना चाहूँ तो अगर मुझे यहाँ से साइज़ दिखा सके, यहाँ पर चले जाते हैं टैप कर लेते हैं और यहाँ से डिटेल में अगर चेक कर लूँ तो मेरे पास फाइल साइज़ है 192 MB। अब अगर मैं इसे भेजना चाहूँ इस फाइल को तो चेक करते हैं कि स्पीड क्या है, शेयर कर लेते हैं और शेयर करते ही वाईफाई डायरेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई डायरेक्ट से ये मैंने डिवाइस दोबारा सेलेक्ट कर लेना है और शेयर कर लेना है टॉप पर जो शेयर का बटन है, शेयर करते ही फाइल ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा और यहाँ से जो फाइल है वो सेंड हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो ब्लूटूथ की डिवाइस से आपको फास्ट तरीके से इस मेथड से आप डेटा भेज सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। इस मेथड से आपके सामने है कि डेटा सेंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि आप किस तरह एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर किस तरह आप किसी भी वीडियो, ऑडियो, इमेज या आपके पास जो भी फाइल हो आप किस तरह सेंड करेंगे। तो अगर ऑन द स्पॉट आपके पास इंटरनेट ना हो और आप किसी को डेटा भेजना चाहते हैं फास्ट तरीके से, फाइल साइज ज़्यादा है, तो आप ये मेथड यूज़ करके आप उस फाइल को, उस वीडियो को, अगर मूवी है, आप इस मेथड से काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ आप सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।